आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे प्रयागराज। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। उमेश पाल के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे एसपी सिंह बघेल। उमेश पाल की मां ने एसपी सिंह बघेल से रो रो कर सुनाई अपनी व्यथा। खबर प्रयागराज से है। एसपी सिंह बघेल ने घटना को लेकर जताया दुख। योगी सरकार के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात का क्या समर्थन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है उमेश पाल मर्डर केस। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। बड़ी खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे प्रयागराज। उमेश पाल के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। यहाँ की जुडिशरी तय करेगी। वादी निश्चित तौर से आवेदन करेंगे कि उनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए और अपने यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र निर्णय लेना। आज जैसे ये तफ्तीश होगी, मान लो ये कोई सब आज मुकदमा कायम हुआ, 3 साल बाद आता है कॉग्निजेंस पे, तब तक आईओ का ट्रांसफर हो जाता है, डॉक्टर का ट्रांसफर हो जाता है, सिपाहियों के हो जाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी 3 साल की है, रेंज की 8 साल की है। लेकिन अब वर्चुअल के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर कोई आईओ इस समय गोरखपुर में, तो उसको आना नहीं होगा और वो अपनी दवाई वर्चुअल पे दे सकती है। इसलिए अब पेंडेंसी को हम लोग कम करेंगे, क्योंकि अब ई कोर्ट्स, ई फाइलिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और ख़ास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनवाई होगी, तो उससे गवाही जल्दी हो जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता पवन पटेल। पवन, देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल प्रयागराज में पहुंचे थे परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल नंदनी, आज केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रदेश की पुलिस और प्रयागराज की पुलिस तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करने का उन्होंने ये दिखाया है और उन्होंने परिजनों से बातचीत की है। हालांकि इस दौरान उमेश पाल की मां है, वो केंद्रीय राज्य मंत्री से उन्होंने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस तरीके से यहां प्रयागराज पुलिस ने एक अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है। उमेश पाल की मां है, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा है कि प्रदेश की न्यायपालिका पर उनके भरोसा, और जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि इस पूरे आपराधिक घटना में जो भी अपराधी शामिल है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और जिस तरीके से बीते कल प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में एक अपराधी को मार गिराया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो परिजन भी कहीं ना कहीं इस पूरे कार्रवाई से संतुष्ट है। जी पवन, देखा जाए तो राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल वहां पर पहुंचे थे, लगातार परिवार का यही कहना है कि वो सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या कुछ उन्होंने इस विषय पर चर्चा की है? पवन, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल वहां पर पहुंचे हुए थे, मौके पर आप भी वहां पर उपस्थित थे, लगातार परिवार का यही कहना है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या कुछ इस विषय पर चर्चा हुई है? पवन, मेरी आवाज आप तक जा रही है? तकनीकी खराबी के कारण पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। तो वहीं पर एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री प्रयागराज में पहुंचे हुए थे परिवार को सांत्वना देने के लिए। उन्होंने मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं का समर्थन, जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा है कि हम सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, एसपी सिंह बघेल ने इसका समर्थन भी किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रयागराज पहुंचे राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, वहां पर उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को हुई थी, आपको बता दें, जहां पर आज प्रयागराज में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे हुए थे परिवार को सांत्वना देने के लिए। राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे प्रयागराज, उमेश पाल के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे एसपी सिंह बघेल।
खबर प्रयागराज से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमेश पाल की मां ने एसपी सिंह बघेल से रो रोकर सुनाई अपनी व्यथा। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है एसपी सिंह बघेल ने घटना को लेकर जताया दुख। योगी सरकार के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात का क्या समर्थन? तो वहीं प्रयागराज में एसपी सिंह बघेल पहुंचे हुए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है उमेश पाल मर्डर केस। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे प्रयागराज। उन्होंने परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उमेश पाल के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे एसपी सिंह बघेल। उमेश पाल की मां ने एसपी सिंह बघेल से रो रोकर सुनाई अपनी व्यथा। और दोबारा हमारा संपर्क पवन पटेल से जुड़ चुका है। पवन, देखा जाए तो पूरे मामले को कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मर्डर केस जा सकता है। बिल्कुल, आज केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उमेश पाल के परिजनों से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मृतक उमेश पाल की मां ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से रो रोकर अपनी व्यथा सुनाई है। हालांकि एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज की पुलिस ने लगातार इस मामले को लेकर तत्परता दिखाई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस पूरे घटना में जो भी अपराधी उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो जिस तरीके से बीते कल प्रयागराज पुलिस के अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया है तथा एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन किया है कि योगी सरकार ने जिस तरीके से सदन में कहा था कि पूरे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आज जब हमने मृतक उमेश पाल की मां से बात की और उनसे मैंने सवाल पूछा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पूरे आपराधिक घटना में जो भी अपराधी शामिल है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और बीते कल जिस तरीके से पुलिस ने अपराधियों से मुठभेड़ की और एक अपराधी को मार गिराया है, तो आप लोग कितना संतुष्ट है? तो इस पूरे मामले को लेकर मृतक उमेश पाल की मां ने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर और उनकी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पुलिस जिस तरीके से कार्य कर रही है, जो पीड़ित परिवार है कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरा घटना को देखा जाए तो आज केंद्रीय राज्य मंत्री ने मृतक परिवार से मुलाकात की और उन्होंने राजू पाल और उमेश पाल के मामले को फास्ट ट्रैक में ले जाने की यहाँ पर अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि अपेक्षा करता हूँ कि न्यायपालिका द्वारा राजू पाल और उमेश पाल को केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए ताकि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो चुके। जी भाई पवन, देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल वहां पर पहुंचे हुए थे, वहां पर आप भी उपस्थित थे। लगातार पीड़ित परिवार का यही मांग है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ले। क्या कुछ इस विषय पर चर्चा हुई है? बिल्कुल, हालांकि मंत्री जी ने अपने बयान में ये कहा है कि पूरे मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस की कार्यशैली से वो संतुष्ट है। पीड़ित परिवार को उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने कहा है, उन्होंने भी इस चीज को दोहराया है कि पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपनी बातों को सामने रखा है और जो मृतक उमेश पाल है उनकी मां से जब हमारी बातचीत हुई तो हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आकर मृतक परिवार से मुलाकात करें ताकि मृतक परिवार के दुखों को बांट सके और मृतक परिवार अपनी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शेयर कर सके, उनसे साझा कर सके। हालांकि परिवार के कई और जो परिजन हैं उन्होंने भी बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है। जी नंदिनी। पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से एसपी बघेल वहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे मिलने के बाद परिवार जनों का क्या कुछ कहना है? मंत्री जी के मिलने के बाद जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार उनके साथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके साथ लगी हुई है और उनसे सारी बातें साझा कर रही है और लगातार कार्रवाई की बातें कही गई है, तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई सामने दिख भी रही है। तो परिजनों से मुलाकात के बाद परिजनों ने संतोषजनक जवाब दिया है। वो प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे इस मामले को लेकर जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई है या जब आगे हो रही है उसको लेकर उन्होंने संतोष जताया है। उनको पूरा भरोसा है कि प्रदेश की सरकार और पूरी न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल अपराधी है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो परिजन कहीं न कहीं पूरे कार्यवाही से संतुष्ट नजर आए हैं और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात के भी परिजनों ने भी संतोषजनक जवाब दिया है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो वहीं पर अवनीश अवस्थी को मिला सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं अवनीश अवस्थी। फरवरी 2024 तक के लिए मिला सेवा विस्तार। अवनीश अवस्थी को मिला सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं अवनीश अवस्थी। 29 फरवरी 2024 तक के लिए मिला सेवा विस्तार। प्रयागराज में इलाहाबाद वीवी के एलएलबी के छात्र को उठाया गया। बड़ी खबर प्रयागराज से, एसटीएफ की टीम ने छात्र मुबस्सिर हारून को उठाया। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद हिरासत में है हारून। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से हिरासत में मुबस्सिर हारून। मुबस्सिर हारून की उमेश पाल हत्याकांड में है भूमिका। मुबस्सिर हारून से पूछताछ में जुटी एसटीएफ की टीम। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, सदाकत खान के बाद मुबस्सिर हारून को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद वीवी के एलएलबी के छात्र को उठाया गया। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, एसटीएफ की टीम ने छात्र मुबस्सिर हारून को उठाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए सदाकत खान के बाद अब मुबस्सिर हारून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुस्लिम बोर्ड छात्रावास से हिरासत में मुबस्सिर हारून, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका बताई जा रही है मुबस्सिर हारून की। मुबस्सिर हारून से पूछताछ में जुटी एसटीएफ की। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां एक और गिरफ्तारी इलाहाबाद वीवी के एलएलबी के छात्र को उठाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद मुबस्सिर हारून को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जी नंदनी, आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लगातार जगहों पर छापा मार रही है और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हर एक तह को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है और अपराधियों को गिरफ्त में लेने का हर एक प्रयास कर रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है, साथ ही एक अपराधी को कल देर रात से दबोचा गया। साथ ही अगर बात की जाए तो एक इस पे अपडेट ये आ रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र को उठाया गया है। आपको बताएं कि ये पूरी घटना की साजिश जो है वो मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में हुई थी, जिनके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 पूरी चर्चित है। उसके ठीक बाद अब आपको बताएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि एलएलबी कर रहा था उसको एसटीएफ की टीम के द्वारा उठाया गया है और अब नाम निकल के आया है कि हारून नाम है। अब आगे उससे पूछताछ होगी और उमेश पाल हत्याकांड में माना जा रहा है कि तमाम जो बैठक हुई अंदर जो पूरी रूपरेखा तैयार की घटना की उससे सभी जुड़े लोगों को धीरे धीरे गिरफ्त में लेने का पूछताछ की जाएगी। अपराधियों को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा धर दबोचा जाएगा। जी विभांशु, जिस तरीके से लगातार हॉस्टल से गिरफ्तारी हो रही है तो क्या लगता है आगे भी हॉस्टल से गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अब तक बात की जाए तो एक एनकाउंटर के बाद दो लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। बात की जाए तो इसमें पूरी जो क्राइम सीन है उसके बारे में पूरी तहकीकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जो जवाब मिलना है उनसे फिर सवाल बनाकर सवाल रखे जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि कल देर रात जिस अभियुक्त को गिरफ्त में लिया गया उसके द्वारा मिली सूचना के बाद हारून को जो कि एलएलबी का छात्र है उसको गिरफ्त में लिया गया है। उसके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार और कई संदिग्धों को पुलिस गिरफ्त में लेगी और घटना के पूरे क्रम को जानेगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में पिकनिक स्पॉट कुकरेल जंगल में लगी आग। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, सीएमएस ऑफिस के सामने कुकरेल जंगल में लगी आग।
लखनऊ से है, जहां कुकरेल जंगल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है। थाना इंदिरानगर के कुकरेल जंगल का है पूरा मामला। खबर लखनऊ से है, जहां कुकरेल के जंगल में आग लगी है। कानपुर में थाना परिसर में जमकर हुआ पथराव। थाना परिसर में पथराव का वीडियो वायरल। दो पक्षों के विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों में हुई मारपीट। खबर कानपुर से है। जेसीबी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। थाना चकेरी परिसर का है पूरा मामला। लखनऊ में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। नदी में बोरी में लिपटी मिली लाश। अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर लखनऊ से है। थाना दुबग्गा क्षेत्र के पास का है पूरा मामला। शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। खबर लखनऊ से है। नदी में बोरी में लिपटी मिली लाश। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, देखा जा रहा है लखनऊ में लगातार शवों का मिलना सिलसिला जारी है, वहीं अब नदी में बोरी में लाश मिली है। जी देखिए नंदनी, आपको बता दूं कि पहली घटना ऐसी नहीं है। इससे पहले भी इंदिरा नहर और शारदा नहर पर कई अज्ञात लाशें मिल चुकी, कई अज्ञात शव मिल चुका है शत विशत हालत में। और आज की बात बता दूं कि दुबग्गा थाना क्षेत्र में जहाँ शारदा नहर बहती है, वहां पर शव मिला है, जिसकी शिनाख्त अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई। सूचना पर पुलिस पहुंचती है, उसके बाद वहां पर शव को निकाल पंचनामा करती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल अभी तक लगातार पुलिस जो है शव की शिनाख्त करने में लगी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये नदी नहर किनारे शव मिला है, जो बोरी में लपटा हुआ था, और हो सकता है कि पोस्टमार्टम के बाद ये खुलासा हो पाए कि इसकी हत्या हुई है फिर आत्महत्या हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।